गाजा में इसराइल की ओर से चलाए जा रहे सैन्य ऑपरेशन को हमास से कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। ये हम नहीं बल्कि इसकी वानगी गाजा से आ रहे खतरनाक और चौंका देने वाले वीडियो पर है, जहां नष्ट हो चुकी इमारतों में हमास लड़ाके घात लगाकर इजरायली बलों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। हमास के लड़ाकों के सीधे सटीक हमलों से इजरायली बलों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, और सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि इजरायल के ताकतवर मिरकावा टैंकों को आग के गोलों में तब्दील कर हमास के लड़ाके IDF को तगड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। लड़ाकों की ओर से इजरायली टैंक अब उनके सबसे आसान शिकार बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि समूह की ओर से टैंकों को तबाह करने या बम से उड़ा देने से जुड़े ऑपरेशन में तेजी देखने को मिल रही है। इससे जुड़ा एक ताजा वीडियो सामने आया है, इसमें हमास की अलकसम ब्रिगेड ने अपने कई ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसमें लड़ाकों ने मरकवा चार टैंक समेत दो बख्तरबंद वाहनों को हमले में तबाह कर दिया। बताया गया कि इसमें एक F-16 लॉन्च बम भी शामिल था। अल कासिम ब्रिगेड ने खुलासा किया कि उसके लड़ाके जब फ्रंट लाइनों से लौटे थे तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम गाजा के ताल अल हवा में शावाज जैसा एक विस्फोट, जिसे EFP कहते हैं, और एक बिना फाटे रह गया इजरायली F-16 लॉन्च बम जो हमास के हत्थे लगा उसे लगाया हुआ था, जिसका इस्तेमाल कर अल कसम लड़ाकों ने दो इजरायली मरकवा टैंकों को तबाह कर दिया। साथ ही ताल अल हवा की सड़क में IED से एक इजरायली सैन्य हल्के बख्तरबंद वाहन को उड़ाया, जो IED ब्लास्ट के बाद बड़े धमाके के साथ नष्ट हो गए, तो वहीं दूसरे इजरायली बख्तरबंद वाहन को लड़ाकों ने अल यासीन टेंडम रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी RPG दाग कर तबाह किया। बताया जाता है कि ताल अल हवा में कई दिनों के टकराव के बाद अग्रिम मोर्चों से लौटे लड़ाकों ने खुलासा किया कि उन्होंने एक इजरायली पैदल सेना बल को करीबी लड़ाई में उलझाए रखा। इसके बाद इजरायली सैनिकों पर एक एंटी कार्मिक IED ब्लास्ट किया। इससे IDF के कई जवान हताहत भी हुए, तो वहीं पैदल सेना को अपनी पोजीशन में बदलाव करना पड़ा। वहीं अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने लड़ाकों ने अल अक्सा शहीद ब्रिगेड के साथ अपने ज्वाइंट ऑपरेशन में ताल अल हवा में एक इजरायली सैनिक पर हमला करने का दावा किया गया कि अल शुजैया और ताल अल हवा में दोनों ओर से घुसपैठ के बाद इजरायली सेना ने स्ट्रीट 8 पर ताल हवा में खुद को पश्चिम की ओर शिफ्ट किया। इससे अल शुजैया में IDF की घुसपैठ रुक गई, साथ ही भारी नुकसान झेलने से इजरायली सेना वहां से पीछे हट गई। लड़ाकों ने IDF को पीछे ढकेलने को अपनी एक और जीत करार दिया है। बताया जाता है कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध सेनानियों ने भी कई प्रकार के मोर्टार गोले और कम दूरी के रॉकेट तोपखाने हथियारों का इस्तेमाल कर इजरायली बलों की चौकियां पर भीषण बमबारी की थी। इसके अलावा अल कसम ब्रिगेड के नेटजारी मैक्सिस पर अपनी गोलाबारी फिर से शुरू कर दी, जो उत्तरी गाजा के घिरे हुए बाकी इलाके से अलग करती है। बता दें कि नेटजारी मैक्सिस इजरायली सेना के लिए एक रणनीति लिहाज से बेहद अहम पॉइंट रहा है। इजरायली बलों ने इसका इस्तेमाल गाजा और मध्य गाजा में घुसपैठ शुरू करने के लिए किया। यह कई फील्ड कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को भी होस्ट करता है। अल कुछ ब्रिगेड ने भी पूरे एक्सिस में इजरायली बलों पर भारी गोलीबारी की। साथ ही अल नासिर सलाह अल दीन ब्रिगेड के लड़ाकों ने नेटजारिम में इजरायली सेना पर 2 160 IDF के रफा में चल रहे ऑपरेशन के चलते ब्रिगेड की मोर्टार यूनिट ने रफा बॉर्डर पर IDF पर गोलीबारी की। वहीं अल कसम लड़ाकों ने रफा के जॉर्ज स्ट्रीट में इजरायली मरकवा टैंक और बख्तरबंद सैन्य वाहन पर दो अल यासीन गोले भी दागे।